बसेस में आप क्या इनोवेट कर रहे हैं और क्या आपकी प्लानिंग है ई बसेस को लेकर? इलेक्ट्रिक बसेस में हम मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं, सूरत सिटी के साथ भी काम कर रहे हैं। तो ये जो अभी 50,000 इलेक्ट्रिक बस का स्कीम आया है, पीएम ई बस सेवा में भी आया हुआ है, और 2030 तक जो 50,000 इलेक्ट्रिक बस का है, तो उसमें हम कॉन्ट्रैक्टिंग, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग और डिप्लॉयमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। ट्रांजिशन प्लान बना रहे हैं सूरत का, और CSL और ASRTU और MOVER MHI के साथ हम ओवरऑल स्कीम और पॉलिसी लेवल में भी काम कर रहे हैं। अभी कई कंपनीज ऐसी हैं जो ई बसेस, स्वैपिंग ई बसेस में भी आ रही हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? टेक्नोलॉजी इवॉल्विंग है, बैटरी स्वैपिंग, बैटरी एज अ सर्विस, अभी लंबा रास्ता है और भी जाने के लिए, ऐसे टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना पड़ेगा इसके, क्योंकि अभी मैन्युफैक्चरर्स या तो OEMs अभी भी उस टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो टाइम लगेगा थोड़ा डिप्लॉयमेंट में। तो गवर्नमेंट की स्कीम्स की बात करें तो पीएम ई ड्राइव जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि पीएम ई ड्राइव में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को उसकी सब्सिडीज को अलग रखा गया है, तो उस पर आप बताएं। सो पीएम ई ड्राइव फोकसेस ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बसेस में मेजर फोकस है। सबसे ज़्यादा फोकस 9 सिटीज़ में है पीएम ई ड्राइव के अंडर, जो 9 सिटीज़ हैं सूरत, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, पूना, वैसे 9 सिटीज़ हैं, और 14,000 इलेक्ट्रिक बसेस का डिप्लॉयमेंट है। सेम पीएम ई बस सेवा में भी 10,000 इलेक्ट्रिक बस का डिप्लॉयमेंट है, तो हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन इलेक्ट्रिफिकेशन। आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट की फेम 3 पहले फेम 2 चलता था, फेम 3 पे बात की जा रही है, तो आपको कुछ लगता है कि फेम 3 जब आएगी तो अपना कुछ अच्छा इनोवेटिव ही चीज़ लेकर आएगी? पीएम ई ड्राइव फेम 3 ही है, बस नाम बदला है, लेकिन फोकस तो वही है और काफ़ी इम्प्रेसिव है द टारगेट्स जो सेट हुआ है। तो 2.5 साल का टारगेट है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पाथवे लगाया है। तो इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं हम अर्बन एरियाज में भी लेकर जा रहे हैं आप, और सारी बहुत सारी चीज़ों पे आप वर्क कर रहे हैं, तो उसमें कुछ आपको कुछ बदला हुआ है या कुछ आपको यूनिक लग रहा है कि आप किस तरीके से उसको आगे बढ़ा रहेंगे? पहले ज़्यादा फोकस अर्बन एरियाज में था, अभी इंटरसिटी और इंटरस्टेट में भी फोकस जा रहा है, क्योंकि ये जो लॉन्ग ट्रिप्स हैं इंटरस्टेट इंटरसिटी, उसके लिए भी अभी इलेक्ट्रिक बस का शिफ्ट होना है, उसमें भी काम चल रहा है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आ रही है इन सब चीज़ों को देखते हुए, तो आपको लगता है कि ये कब तक डेवलप होगा या इसको कब तक डेवलप किया जाएगा? चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का भी टारगेट काफ़ी स्ट्रांग है, 2047 तक 1.5 मिलियन पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगाना है, और अभी जो पीएम ई ड्राइव आया है उसमें भी 2000 करोड़ हैव सेट असाइड फॉर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अराउंड 40,000 पब्लिक चार्जिंग, 22,000 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन, तो वो भी एड्रेस किया गया है पीएम ई ड्राइव में। थैंक यू।